नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यूब। एसएससी जीडी एग्जाम दोस्तों खत्म हो चुका है और एग्जाम सेंटर से मैं लाइव आ गया हूं। आप लोगों को दोस्तों लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उससे पहले एसएससी जीडी का जो लाइव डिस्कशन होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों को यहां से लाइव कवरेज प्रदान की जाएगी और सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभ्यर्थियों से डायरेक्ट लाइव बात करके दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से और किस प्रकार से क्वेश्चन। दोस्तों एसएससी जीडी 2021 की परीक्षाएं चालू हो गई और आप लोग पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर भाई साहब आ गए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। थोड़ा सा कॉपरेट करिए भाई। यहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे? पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, कितने क्वेश्चन बने थे कुछ क्वेश्चन आपको बता सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन थे सब। नॉर्मल क्वेश्चन थे भाई, वही वही भाई क्या बताइए कि कहाँ से क्वेश्चन बने थे? सब बने थे हिंदी से। पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन बने थे? काउंट नहीं किए। कुछ क्वेश्चन आपको याद है जो बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? नहीं नहीं याद। हिंदी से? हिंदी से। ओके ओके, चलिए आपको कुछ याद तो है। हाँ, तो जो क्वेश्चन याद है तो उस वही बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। जितने भी क्वेश्चन आपको याद लग रहे हैं प्लीज बता दीजिए। जो है आपको मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बने थे जैसे मतलब चीन मतलब जो है मतलब कोरोना जो है कहाँ से शुरू किया, मतलब अपने यहाँ मतलब भारत में कहाँ से, मतलब पहले केरल से हुआ था और कर्नाटक में मृत्यु हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन भी मतलब ये सब यही क्वेश्चन बना था। आरोग से तो सर यही बना था उसको, और तो मतलब टप लेवल का नहीं था क्वेश्चन सर। जी सर, मतलब पेपर नॉर्मल ही था? नॉर्मल था सर। हिंदी से कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं जो हिंदी के माध्यम से बना हो बच्चों को? हिंदी के माध्यम सर इतना कन्फर्म नहीं है, हिंदी के माध्यम से भी बता सकते हैं सर, जो है ऐसी बात नहीं है। जैसे समाज दिया था सर, समाज के बाद उसके बाद आया था मतलब अनुच्छेद, मतलब संधि विच्छेद उसके साथ। थोड़ा सा आराम से बताइए। जी सर, जब ये आप लोग जो क्वेश्चन हमें बता रहे हैं शाम तक आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, ये जो आपको याद हो हाल फिलहाल में। हाँ आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। हिंदी में आया था, भाषाएं के बारे में पूछे कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, आया था और उसमें जीके का आया था, फोर पॉइंट से हिस्ट्री से आया था। हाँ हिस्ट्री से आया था। संबंधित है एक लिम्बर हम किससे संबंधित है और सर दूसरा लार्जेस्ट नहर कौन थी इंडिया में सिंचाई के लिए? एक फीट में कितने वाइट होते हैं? उत्पाद शुल्क सर किस पे लगाया जाता है? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना खोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? कपास की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सर मायोपिया ये जो रोग है किससे संबंधित? ग्रैमी प्राइज था। और सपनों की स्टडी के किसके अध्ययन किया जाता है, किसके मतलब अंतर्गत किया जाता है? सिक्किम राज्य और किस संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बना? आर के नारायण निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक नहीं लिखे थे? कोरोना वायरस का पहला केस किस राज्य में मिला? और सर ह्यूमन डेवलपमेंट विकास मतलब ये भारत में कितनी रैंक थी इसकी 2020 में? और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की थी? और सर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहना अपने दोस्त और लाइव जितने भी लोग जुड़े हैं। कार्ड रीडर निम्नलिखित में से क्या इनपुट आउटपुट या इनमें से कोई नहीं? एकदम रियल क्वेश्चन हम सेंटर के माध्यम से आपको। पंचायती राज व्यवस्था से आया था, एक आया था ISTA इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फर्स्ट और सबसे बड़ा महासागर था। और संविधान से था कि भारतीय संविधान किस पे आधारित है, एक संस्थात्मक या द्विसंस्थात्मक या बहुसंस्थात्मक? यूपी के किस राज्य में जौ का उत्पादन सबसे अधिक मतलब किस राज्य में जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 2019 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? 2020 में U19 विश्व कप किसने जीता था? आपको यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम सेंटर से सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को जितने भी लाइव हुए हैं प्रॉपर एग्जाम सेंटर से सारे क्वेश्चन आपको लाइव। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब ने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, सभी का जो डाउट बन रहे थे क्वेश्चन क्या क्या आए थे। ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? थैंक यू सो मच भाई। ओके।
तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं आपका पॉलिटी से पूछे गए हैं 7 से 8 क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ के जाइए, यहाँ से 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैथ्स के दोस्तों आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। मैथ्स का थोड़ा क्वेश्चन था यहाँ पर थोड़ा टफ था, रीजनिंग आपकी बिल्कुल आसान आई है। जीएस दोस्तों आपको खासकर परेशान कर रहा है, तो जीएस का पोर्शन अगर आप नहीं तैयार किए तो जीएस मत पढ़िए, आप लोग अपने जो प्रिपरेशन किए हैं उसी को पढ़िए। जीएस थोड़ा टफ आ रहा है दोस्तों, बाकी आपका पेपर का लेवल ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके के ऑथेंटिक एसएससी जीडी भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए डेली में दोस्तों आप लोगों को लाइव सेशन लाऊंगा, यहां से सीधे सेंटर से आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।